हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि खेल चिकित्सा शास्त्र के वन लाइनर क्वेश्चन का यह पांचवा वीडियो है। एंड दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी सेशन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। हर एक स्टेट के टीजीटी पीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी एलटी ग्रेड की, चाहे केवीएस एनबीएस की, चाहे एमपी टेट की, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सभी थ्योरी सेशन आपको मिल जाएंगे। चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक प्लेलिस्ट को चेक करिए, टॉपिक वाइज बना है प्लेलिस्ट। एंड प्रीवियस ईयर के 100 से ज़्यादा वीडियोज बनाए गए हैं एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराया गया है। और डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, दोनों टाइम मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इस टाइम। और आप पूरी शिद्दत से मेरे चैनल पर लग जाइए और जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक है वो आप पढ़ते रहिए। बहुत सारा बुक रखने से कुछ नहीं होता है, ऑथेंटिक बुक रखिए, एक दो रखिए, प्रैक्टिस सेट रखिए, एक थ्योरी सेशन रखिए और उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को महान बनाता है, तो अभ्यास करते रहिए जितना, जब तक आपको ना आए तब तक, और टाइम को वेस्ट न कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, डायथर्मी जो है एक विद्युत चिकित्सा विधि है, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत डायथर्मी, डायपल्स थेरेपी और अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रावायलेट रेंज एंड आपके इंफ्रारेड रेंज, ये सभी चीज़ें आती हैं जो विद्युत के माध्यम से चिकित्सा होती है। तो डायथर्मी जो होता है वह विद्युत माध्यम से चिकित्सा इसमें होता है और मांसपेशियों के ऊतकों को गहराई तक जाकर के घाव भरने का काम करता है। और यह तीन प्रकार का होता है, यह तीन प्रकार का होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी, तीन प्रकार का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड केबल मेथड किसके प्रकार हैं। तो यह आपका शॉर्ट वेव डायथर्मी के प्रकार हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोथेरेपी, डायपल्स थेरेपी, डायथर्मी, सभी के बारे में जानने के लिए खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए और उसमें सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस थेरेपी विधि में पैराधमनी नहीं है। किस थेरेपी विधि में पैराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वह विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं डायपल्स थेरेपी। डायपल्स थेरेपी क्या होता है, यह सूजन को कम करने के लिए और विद्युत चुंबकीय प्रभाव से सूजन को कम किया जाता है। तो डायथर्मी ऊतकों की गहराई तक घाव भरने के काम आता है, डायपल्स थेरेपी जो है सूजन को कम करने के लिए काम आता है, विद्युत चिकित्सा विधि का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उपचार मतलब प्राथमिक, सबसे पहले, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि सबसे पहले उपचार करना और जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना, यही है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड का उद्देश्य। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया। तो 1879 में सबसे पहले फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार शब्द को अपनाया गया। इसको थंब रूल भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था। तो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने 1879 में इंग्लैंड में अपनाया था। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं। तो दोस्तों, इसमें स्वयं सहायता
एवं प्राथमिक सहायता होता है। होता है क्या है, आगे चलते देखते हैं। नेक्स्ट है, वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं उपचार किया जाता है, तो उसको बोला जाता है स्वयं सहायता। नेक्स्ट है, उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्राथमिक सहायता। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, तो इसमें आपको आप सब जानते हैं पट्टी, प्लास्टर, जीवाणु रहित गेज के टुकड़े व कैंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटॉल, स्प्रिट, दर्द निवारक दवाएं, अखपच्ची आदि इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में यानी प्राथमिक उपचार पेटिका में होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो दोस्तों जो भी है वो शांत व निर्णय लेने वाला हो और प्राथमिक सहायता की जानकारी रखता हो तथा व्यवहार कुशल हो एवं दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने वाला हो, यही गुण उसमें होना चाहिए जो भी प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है। नेक्स्ट है, खेलों में चोट क्यों लगती है, तो खेलों का नियम का पालन न करने से मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान और गलत प्रशिक्षण और तकनीक और उपकरण का प्रयोग करने से अक्सर खेलों में चोटें लगती हैं। नेक्स्ट है, हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए अपनाया जाता है राइस, RICE। बट इस सिद्धांत में अब सबसे पहले P जुड़ गया है और लास्ट में S जुड़ गया है। पहले राइस था, अब प्राइसेस हो गया है, ठीक है। तो इसमें P का मतलब है प्रोटेक्शन यानी कि बचाव करना, R से मतलब है रेस्ट देना, I से मतलब है आइस यानी बर्फ का इस्तेमाल करना, C से मतलब है कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना, E से मतलब है इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, और S से इसका तात्पर्य है सपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि खेल में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है, तो राइस सिद्धांत अपनाया जाता है। इसमें आराम देना, बर्फ लगाना, दबा देना, चोट लगे अंग को ऊपर उठाना, ये होता है। नेक्स्ट है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि बोला जाता है क्रायोथेरेपी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है, दोस्तों तो पेडोग्राफ से लगाया जाता है। अब फ्लैट फुट होता क्या है, इसको फ्लैट फुट को पेनिस भी बोला जाता है, जो हमारे जो पैर के तलवे होते हैं उसमें कोई कर्व नहीं बनता है, सप्ता जमीन चपाट होता है, जमीन पर पूरा छू जाता है तलवा, उसी को कहते हैं फ्लैट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्त न स्त्राव हो उसके लिए कौन सा विटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो होता है विटामिन के का, क्योंकि विटामिन के किस कार्य में होता है, ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है विटामिनों में, एंड ब्लड में पूछे तो प्लेटलेट्स जो होता है जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, एंड प्रोटीन में प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो इसका निर्माण यकृत में होता है लेकिन पाया जाता है ब्लड में, वो भी ब्लड को जमाने में मदद करता है, एंड खनिज लवणों में बात करें तो कैल्शियम जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, हड्डियों दांतों को तो मजबूत रखता ही है बट वो रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाओं का सेवन करना क्या कहलाता है, तो वह डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज्यादा लगने की संभावना होती है, दोस्तों तो ज्यादातर घुटने में चोट जो है वो फुटबॉल खेल में लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर में किस चीज का परीक्षण किया जाता है, दोस्तों तो इसमें मूत्र यानी यूरिन का परीक्षण किया जाता है। जब इससे परीक्षण में जांच में कोई गड़बड़ी होती है तब रक्त का जांच लिया जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी, पानी के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी, मोम के माध्यम से
मोम चिकित्सा पैराफिन बाथ बोला जाता है। नेक्स्ट है पानी के माध्यम से किया गया इलाज को हम क्या कहते हैं, तो उसको हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है दोस्तों। उसके अंतर्गत व्हर्लपूल बाथ, इमरेशन बाथ आदि कई बाथ आते हैं जिसके बारे में बता चुकी हूँ, जाकुजिया बाथ। नेक्स्ट है चोटग्रस्त भाग को ठंडे और गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, तो कंट्रास्ट बाथ बोला जाता है। और इसमें सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है ठंडे पानी का। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में कंट्रास्ट बाथ की, ठंडे और गर्म पानी के द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट है दोस्तों चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबोकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं, तो ठंडे पानी में डुबोना भी और गति करवाना या अभ्यास, दो शब्द आ जाए तो वहां पे आपका होगा हमेशा क्रायोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है, उसे किसी उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वैक्स थेरेपी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में वो गड़बड़ी किया है, यहाँ पे मोच नहीं है मोम है, ठीक है। किसी उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है, किसका, मोम का, तो उसे को क्या कहते हैं, वैक्स थेरेपी यानी कि मोम चिकित्सा बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है, वह होता है दोस्तों वार्म अप करना, शरीर को गर्माना, जिससे आपको कोई भी क्रिया को, चाहे कोई क्रिया आरंभ कीजिए, चाहे कोई खेल प्रशिक्षण आरंभ कीजिए, चाहे कोई खेल आरंभ कीजिए, सबसे पहले वार्म अप यानी शरीर को गर्माना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे शरीर में लचीलापन और सभी जोड़े खुल जाती है, मांसपेशी ढीला पड़ जाता है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो कोई भी क्रिया आप आसानी से कर लेंगे। और जब भी आपको चोटें आएंगी, आप गिरेंगे, तो आपकी हड्डियाँ टूटने और जल्दी से मोच एंड खिंचाव आने की संभावना नहीं होगी, इस सबसे बच सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसको बांटा गया है गंभीर चोट, ओवर यूज चोटें, ओवर यूज चोट मतलब जो बार बार लगती हूँ। नेक्स्ट है लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है, तो लिगामेंट का टूटना या खिंचाव स्प्रेन कहलाता है, मैंने कई बार इसको बताया है और इसका ट्रिक भी बताया है कि स्प्रेनली और स्ट्रेनम, स्प्रेनली यानी स्प्रेन और ली, ली से है लिगामेंट का टूटना अथवा खिंच जाना, स्प्रेन कहलाता है। लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ने का कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियों अथवा टेंडन के ट्विस्ट या फटना क्या कहलाता है, तो पेशियों या टेंडन में ट्विस्ट या खिंचाव अत्यधिक खिंचाव कहलाता है स्ट्रेन, स्ट्रेनम यानी कि मांसपेशी और टेंडन में जो खिंचाव आता है उसे स्ट्रेन कहते हैं, स्प्रेनली यानी कि लिगामेंट में जो खिंचाव आता है उसे स्प्रेन कहते हैं, स्प्रेन मतलब मोच, स्ट्रेन मतलब खिंचाव, ठीक है। तो याद रखिएगा लिगामेंट किसको जोड़ता है, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, और टेंडन जो होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी का एक से ज्यादा जगह टूटना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है मल्टीपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हड्डी और त्वचा दोनों टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी उसे बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटता है बस त्वचा नहीं टूटता है, जिसे साधारण फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है कांट यूजन, यानी इसे भीतरी चोट या गुम चोट भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अभी हाल में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवर यूज इंजरी लगी थी, तो वो होता है टेनिस एल्बो लगा था, कौन सा, टेनिस एल्बो, ये हमारे एल्बो में लगता है। नेक्स्ट है हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है, तो दोस्तों जब हड्डी टूटकर आंतरिक मुलायम अंगों हृदय गुर्दे आदि में धंस जाती है तो उसे बोला जाता है जटिल अस्थि भंग यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हड्डी टूटने की पहचान लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो उसमें दर्द, सूजन, नीला पड़ जाना, रक्त स्त्राव, हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज सुनाई देना, ये आपके सभी लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में
मुख्यतः कौन से प्रकार का फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है? तो दोस्तों उसमें होता है ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, उसको बोला जाता है, जो छोटे बच्चों में होता है, टूटती नहीं है, हड्डियां जो है मुड़ जाती हैं कोमल होने के कारण। नेक्स्ट है, खेल में चोट लगने के बचाव के क्या क्या तरीके हैं? तो इसमें सबसे पहला तो फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए। यदि फिटनेस है तो, और उसके अलावा आपका कोई भी क्रिया करने से पहले ठीक ढंग से वार्म अप कर लीजिए, शरीर को गर्मा लीजिए जिससे लचीलापन बढ़ जाए, और खेलों के पश्चात कूल डाउन कर लीजिए, हल्का हल्का टहलना और सांस लेना, एंड नियमों का पालन करना, सही तरीके से वेशभूषा उपकरण का प्रयोग करना, ये सभी तरीके हैं खेलों में चोटों से बचाव के लिए। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया है, उसमें ग्लव्स पहना जाता है और बहुत सारी चीज पहने जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार के में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो यह मैंने उसमें तो दो प्रकार के साधारण फ्रैक्चर और संयुक्त फ्रैक्चर यानी कि ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे चार प्रकार का दिया है, तो दो प्रकार का ही होता है, साधारण मतलब क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के फ्रैक्चर के कौन से दो प्रकार हैं दोस्तों? तो दो प्रकार हैं आपका, साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त या खुला फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थान से कुचल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों एवल्जन अस्थि फ्रैक्चर। मांसपेशियों को तीक्ष्ण संकुचन के कारण जो टेंडन होता है हड्डी से, मांसपेशी जो होता है टेंडन मांसपेशी हड्डी से अलग हो जाता है, प्लस अलग उसी को कहते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, खिलाड़ी की चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए टर्नीक्वेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस बने रहिए मेरे चैनल में बेस्ट तैयारी के लिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।